आज हम क्रिएट करने वाले हैं लोगो इंट्रो एनिमेशन, और जिसको जनरेट करने के लिए हम आफ्टर इफेक्ट्स के इनबिल्ट इफेक्ट्स को यूज करने वाले हैं। कोई भी एक्सटर्नल प्लगइन हम यूज नहीं करने वाले गाइस। और इस लोगो इंट्रो या लोगो एनिमेशन को आप अपने यूट्यूब चैनल इंट्रो के लिए, व्लॉग इंट्रो के लिए या फिर किसी भी सिनेमेटिक इंट्रो के लिए आप इसको यूज कर सकते हो गाइस। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time. Thank you. So, start करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेरा solid generate करता हूँ, so you can see that कि भाई ये मेरा logo किस हिसाब से दिख रहा है आपको। So this is exactly my logo over here. अब सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा scale down कर लेता हूँ यहाँ पे। So let's make it a scale down over here. अब मुझे क्या करना है, इस लोगो को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहला तो क्या है कि ये वाला एक पोर्शन रहेगा और ये वाला बीच का स्टिक अलग से चाहिए। अब मैंने ये लोगो डिजाइन किया है इल्यूस्ट्रेटर के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लेयर के ऊपर राइट क्लिक कर लो, यहाँ पे क्रिएट में चले जाओ, क्रिएट शेप फ्रॉम द वेक्टर लेयर कर दो। तो अब क्या हो गया, अभी एक प्रॉपरली शेप बन गया। जैसे हम टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही हमारा आफ्टर इफेक्ट्स की ग्राफिक्स को हम यहाँ पे शेप लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी के मैं क्या कर रहा हूँ, दो कॉपीज यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ मेन, और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा, एंटर करते हैं और इसको दे देते हैं सब, ठीक है, ताकि हमें आइडिया रहे कौन सा है यहाँ पे, कौन से लेयर में कौन सी इन्फॉर्मेशन सेव है, ये हमारे ध्यान में रहे। तो मैं यहाँ पे दोनों को लेबलिंग भी प्रॉपर तरीके से कर देता हूँ गाइस। ओके, अब ये सिंपल सी चीज समझ लो, पूरा ट्यूटोरियल बिगिनर से लेके एडवांस वाले सभी को ये यूजफुल होने वाला है, तो स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। अदरवाइज कुछ चीजें अगर मिस हो गई तो आपको रिजल्ट मिलना मुश्किल हो सकता है, राइट। तो अभी क्या करना है कि भाई पहला काम तो ये है कि मैं ऊपर वाले लेयर को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब चलते हैं इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे कंटेंट में जाएंगे और जाके यहाँ पे क्या करेंगे, पाथ को सिलेक्ट कर लेना आपको। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, इन चार पॉइंट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो मेरा पहला शेप यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मुझे उतना जो पोर्शन हमने यहाँ से गायब किया, उतना पोर्शन मेरे सब वाले लेयर पे चाहिए। तब उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या, अभी अभी इसको रिवील करेंगे और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, लॉक कर देता हूँ। अब इसको ओपन करेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसका भी हमें क्या करना है, भाई पाथ को सिलेक्ट करना है। तो पहला काम मैं यहाँ से इस चार पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर दूं, तो भाई सिंपल सा तरीका ये हो जाएगा। सेम चीज यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स को, मतलब ऑलमोस्ट मैं यहाँ से इतना डिलीट कर देता, तो भाई ये भी यहाँ से चला चुका है। सेम अगेन व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ से इन पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब सेम तरीका यहाँ पे इतने पॉइंट्स को हम डिलीट कर देंगे, तो भाई ये भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, मेरा पूरा का पूरा शेप क्या हो गया, यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सो दैट एग्जैक्टली वी नीड इट। तो हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा सब वाला शेप भी जनरेट हो गया और हमारा मेन वाला भी जनरेट हो गया। तो एक एक करके देखे तो अभी ये हो गया एंड दैट इज ओवर हियर। तो अभी ये अभी जनरेट हो गया, अब इसको हमें रिवील करना है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रोक। बट हमें उस स्ट्रोक को एक अच्छा खासा टेक्सचर देना है और एनिमेटेड टेक्सचर देना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा एक पेन टूल ले रहा हूँ, बराबर है। अब क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है मुझे यहाँ पे। सो एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से पिक कर रहा हूँ उस लाइन को, मैं यहां से या थोड़ा यहां से मैं पिक कर लेता हूँ, थोड़ा आगे जाएंगे, यहां से मैंने पिक कर लिया और मैं ड्रॉ करूंगा इसको कुछ यहां तक, मैं ऑलमोस्ट इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे स्ट्रोक रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे फिल नहीं चाहिए, तो पहले तो फिल को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसके ऊपर स्ट्रोक हमें अप्लाई करना है। सो वॉट एवर कलर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्ट्रोक का कलर हमें चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे एक पिंक कलर का स्ट्रोक हमने अप्लाई कर दिया है। अब वैल्यू क्या चाहिए, थिक चाहिए हमें, तो यहाँ पे बढ़ाते जाओ, जो हमारे इसको कवर करे उससे थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, बराबर। तो हमने थोड़ा क्या किया है, उससे थिकनेस ज्यादा लिया, तो ऑलमोस्ट मैं 75 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो भाई ये यहाँ पे रेडी हो चुका है, राइट। अब क्या करना है, सबसे पहला काम तो इसको एनिमेट करना है हमें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ इस जगह पे। अब मैं यहाँ पे एड में चला जाता हूँ और एड में जाने के बाद हमें अप्लाई करना है इसके ऊपर ट्रिम पाथ। तो भाई ट्रिम पाथ अप्लाई कर दिया। अब ट्रिम पाथ को हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। तो मैं अगर इसको कम कर रहा हूँ तो ये उल्टी तरीके से जा रहा है, मुझे यहां से इसको करना है। स्टार्ट को मैंने एनिमेट किया, यहाँ पे की दे दिया है, यहाँ से हम चलते हैं 20 फ्रेम्स आगे। और क्या करूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 0 करूंगा। सो इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, अब इस हिसाब से ये जाने वाला है। और पीछे से मुझे क्या करना है कि सेम चीज यहाँ पे ये स्टार्ट होगा और जैसे ही यहाँ पे आ रहा है तो आई थिंक मैं चला जाता हूँ 1 2 3 4 5 फ्रेम में आगे चला जाता हूँ ऑन द 15 फ्रेम। और यहां से मैं जाऊंगा 10 फ्रेम आगे
अब यहाँ पे जो हम एनिमेट करने वाले एंड की प्रॉपर्टी को एनिमेट करेंगे ऑलमोस्ट इस जगह पे पहुंच के, यहाँ पे भी एंड की वैल्यू 100 रहेगी। अब लास्ट की पे एंड की वैल्यू हम कहाँ पे लेके जाएंगे, पीछे से कम करेंगे, बट वो जाना कहाँ, हमारे शेप को कवर करनी चाहिए वो हमें ध्यान में रखना है। तो भाई ये यहाँ पे रेडी हो चुका है, सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देता हूँ गाइस, राइट। तो ये भाई ग्राफ हमारा यहाँ पे इस हिसाब से कुछ एडिट हो चुका है, लेट सी दैट। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि भाई यहाँ पे दोनों वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक, दोनों जगह पे सेम वैल्यू अप्लाई हो चुकी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 रहनी चाहिए थी, राइट। तो अब ये हो चुका है, चलते हैं वापस इसके अंदर, ओके इसका ग्राफ भी प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो चुका है सारा, एक बार फिर से देख लेते हैं, सो दैट्स गुड इनफ। तो ये हो चुका है, अब साथ में मुझे क्या करना है, इसका एक पोजिशन भी एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे पोजिशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेट सिलेक्ट द पोजिशन प्रॉपर्टी, अगेन यू प्रेस कर दो, हम यहीं पे चले आएंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, पोजिशन पे की दे देंगे, स्टार्टिंग पे चले आते हैं और यहाँ पे मैं पोजिशन को शिफ्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे जो स्ट्रोक से बाहर हो, राइट। तो ये भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं और साथ में क्या करेंगे भी ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे, ठीक है। तो इतने तक का हमारा काम यहाँ पे रेडी हो गया। तो अब ये एनिमेशन जाएगा किस हिसाब से, तो यहाँ पे मैं जरा आपको प्ले करके दे देता हूँ। 1 ये वर्क एरिया लिमिटेड रखते हैं ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है। सो यू कैन सी दैट ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे जाते हुए दिख रहे वाला मेरे को। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि भाई, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स डू वन थिंग, मैं क्या करता हूँ इसको भी यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं कुछ इस हिसाब से, लेट्स सी इट अगेन कि भाई कैसे हो रहा है। ओके दैट्स गुड इनफ, ये मेरे को सही लग रहा है, बेटर लग रहा है, उससे जो हमारा हो रहा था उससे काफी हद तक ये बेटर है। थोड़ा हम चाहे तो इसको क्या कर देंगे, हल्का सा बाहर की तरफ धकेल लेते हैं ताकि एक इफेक्ट जनरेट, यस इज गोइंग गुड इनफ, अब ये बेटर लग रहा है, ठीक है। अब टाइमिंग भी प्रॉपर जा रहा है, एनिमेशन भी हमारा प्रॉपर तरीके से हो रहा है गाइस। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन, अगर आप ये देख रहे हो ना, मैंने नो डाउट डिस्क्लेमर डाला हुआ है, मेरे ट्यूटोरियल्स में ऐसा नहीं है कि मैं पहले बनाता हूँ फिर उसको फिर से मतलब एक देख लेता हूँ कम्फर्ट जोन, फिर उसके वैल्यूज मेरे पास नोटिफाई रहते हैं, फिर मैं उसको रिक्रिएट करता हूँ स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ, कहाँ कहाँ की फ्रेम लगाने हैं, ये सब करने के बाद मैं वॉइस ओवर देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है और उसके लिए हमें जो इफेक्ट्स या जो भी एनिमेशन जनरेट करने होते हैं, हम उसको स्टेप बाय स्टेप एक अलग से फॉर्मेट के ऊपर रेडी करते हैं पहले, कि सपोज ये लोगो है तो दैट इज नॉट माय ब्रांड लोगो जो जिसके लिए मैं काम करूँ, कोई और लोगो है, बट हम एक सेम काइंड ऑफ लोगो डिजाइन करते हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइन करते हैं उसके ऊपर, पहले उसको क्रिएट करते हैं, देन रिप्रेजेंट टू द क्लाइंट, और फिर क्लाइंट अप्रूव करता है सारी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप हमने पूरे एनिमेशन के लिए मोशन ग्राफिक्स के लिए रेडी की है, देन वी स्टार्ट ऑन द मेन प्रोजेक्ट। तो इससे बेटर क्या होता है कि आगे जाके एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट करेक्शंस नहीं आते क्लाइंट के थ्रू, तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है। वही चीजें करते समय मैं आपके लिए ट्यूटोरियल जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें देखनी है तो यहाँ बिल्कुल मत आइए, प्लस आप ये चाहते हो कि जो स्टार्टिंग में आपने देख लिया कि आउटपुट कैसे दिखने वाला है, तो आउटपुट भी क्या होता है, ट्यूटोरियल रिकॉर्ड होने के बाद एट द एंड जो रेंडर निकलता है, तो वो रेंडर को एट द टाइम ऑफ एडिटिंग जो हम यहाँ पे ऐड करते, नीचे आपको लाइक सब्सक्राइब के बटन दिखते हैं, यहाँ पे मेरा लोगो दिखता है, तो वो एडिट होता है, तो उस टाइम पे हम वो रेंडर को स्टार्टिंग में एडिट कर डाल देते हैं, अदरवाइज वो रहेगा नहीं। ज्यादातर हम लोग ना डालने की कोशिश करेंगे, तो आप ये सोच के आते हो कि आपको पहले दिखा दिया जाए क्या बनने वाला है, तो भाई मत आओ, आप कहीं और देख लो, क्योंकि वो देख के आप घंटा भी उखाड़ नहीं पा रहे हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। हम लोग सीधी सी चीज है, अगर आप अपना थोड़ा टाइम भी किसी चीज को नहीं दे पा रहे हो, हमारे हर एक ट्यूटोरियल में आप एक नई चीज सीखते हो या कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूजफुल होने वाली चीज सीखते हो, ठीक है। तो देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो छोड़ दो, एंड तक स्किप करके देखने की जरूरत नहीं कि आउटपुट क्या निकलने वाला है, ठीक है। अगर आपको पता हो किस दिन मरने वाले हो तो फिर जिंदा रहने की जरूरत ही कहां होगी आपको, तो बात खत्म करो ना भाई, मत देखो हमारे ट्यूटोरियल, राइट। सो ले अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यहां तक का हमारा काम रेडी हो चुका है, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, सेम चीज इसका एक वर्टिकल, मतलब यहां से जो लोगो स्टार्ट होगा यहाँ पे खत्म करेगा, तो मुझे एक शेप ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसको सबसे पहले मैं हाइड कर देता हूँ। अगेन आई एम टेकिंग द पेन टूल और मैं क्या करूं, यहां से एक दूसरा शेप ड्रॉ कर रहा हूं जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, सॉरी कंट्रोल है, मैंने शिफ्ट दबा दिया था, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द क्लिक ओवर हियर, तो मैंने यहाँ पे कुछ हिसाब से इसको क्लिक देते, ये कवर अप हो गया है। अब खाली करना है क्या, इस वाले पॉइंट को हल्का सा मुझे शिफ्ट करना है ताकि ये कवर अप करे इसको प्रॉपर तरीके से, सो नाउ दैट्स गुड इनफ। अब सेम तरीके से इसको भी क्या करना है, हमें एनिमेट करना है, राइट। तो अब करेंगे क्या भाई, चले आते हैं स्टार्टिंग के ऊपर, यहाँ पे भी चलते हैं, एड में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे भी अगेन में ट्रिम पाथ अप्लाई कर रहा हूँ, तो ट्रिम पाथ अप्लाई करने के बाद इसको ओपन करते हैं, देखो अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो ये मेरा यहाँ से स्टार्ट होने वाला, सो दैट इज मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके रख सकता था,
बट जैसे आपने पाथ को ड्रॉ किया है ना, उस हिसाब से आपका स्टार्ट एंड एंड वर्क करेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना कि पहला कब और कौन सा। इसलिए मैंने सीधा यहाँ से कॉपी करके ट्रिम पाथ को यहाँ पे पेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने ड्रॉ यहाँ से यहाँ किया था, तब एंड वाला प्रॉपर्टी मेरा पहले एनिमेट होगा और उसके बाद मेरा स्टार्ट वाला प्रॉपर्टी एनिमेट हो सकता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, यहाँ पे मेरे को एंड ही एनिमेट करना है, स्टार्ट को एनिमेट नहीं करना है। चलता हूं मैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट मेरे इसी फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको पूरा का पूरा रिवील कर दूंगा। यहाँ पे पोजीशन भी एनिमेट नहीं होने वाला है। सिलेक्ट करते हैं इसको, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर में और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कुछ हिसाब से जनरेट कर दूंगा। ओके, अब आप कह सकते हैं कि सर आप सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ कर सकते थे। भाई एक छोटा सा इश्यू हो सकता है, आगे जाके जो इफेक्ट हम जनरेट करने वाले, टेक्सचर जनरेट करने वाले हमारे लोगों को रिवील करने के लिए एनिमेटेड टेक्सचर जो मोशन ग्राफिक्स का जनरेट करने वाले हैं, मे बी अगर कंटिन्यूस स्ट्रोक रखूं तो जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या किया, सेपरेट किया। ओके डन। तो भाई यहां तक का इतना काम हो चुका है। अब ये अगर दोनों के दोनों देखो तो मेरे को टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। सो जब ये वाला यहाँ पे, कौन सा वाला, मेरा पहला वाला, सो लेट्स मूव दिस। अब मुझे देखना है कि मेरा पहला वाला कब यहाँ पे पहुंच रहा है। सो जस्ट गो फ्रेम बाय फ्रेम। ओके ओके, और बिल्कुल यहाँ पे ये आ जा रहा है, तब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा इस वाले लोगों का यू मतलब ये प्रॉपर्टी ओपन करते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा इस जगह पे लाके रख देंगे। अभी इसको मैं रिवील करता हूँ। सो यू कैन सी दैट अभी वो पहुंचा नहीं है उस जगह पे, तो थोड़ा और आगे आ जाएंगे। तो दैट वन इज अ गुड ऑप्शन ओवर हियर कि भाई अब ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने दोनों का टाइमिंग यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। अब करना क्या है कि भाई इन दोनों को हम करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे त्रिकोण। तो मैं इसको करूंगा मेन शेप मैट। ठीक है, मैंने क्या करना है, इसको नाम देना है मेन शेप का, हमारा ये मैट बनने वाला है, तो इसको मैंने ओके कर देना है। राइट, तो ये यहाँ पे कंपोजिशन मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको मेन शेप के ऊपर लेके चला जाता हूँ गाइस, और यहाँ पे मैं उसको अप्लाई करूंगा एज अ अल्फा मैट। राइट, तो अब अगर इसको एनिमेट करते हो तो देखो कैसे एनिमेट हो रहा है। सो नाउ यू कैन सी दैट बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे लोगो एनिमेशन हो चुका है। अब आप अगर इसके टाइमिंग के अंदर भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, सो कोई इश्यू नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे चले जाओगे प्रिकॉम के अंदर, यहाँ पे दोनों लेयर को सिलेक्ट करो, यू प्रेस करो, और यहाँ पे क्या करोगे, कीज को सिलेक्ट करते हुए आप ड्यूरेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया इस जगह पे, और अब अगर आप इसको प्ले करोगे सो आपका टाइम का क्या होगा, ड्यूरेशन यहाँ पे लोगो एनिमेशन का चेंज हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, आपका एनिमेशन यहाँ पे चेंज होते हुए आपको दिख रहा है। सो दैट इज गुड इनफ। तो ये हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि जब ये यहाँ से निकल रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंचने वाला है, ठीक है ना, तो इस टाइम पे मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे यहाँ पे रिवील, इसके ऊपर भी सेम एनिमेशन मुझे क्या करना है, जनरेट करना है। तब उसके लिए क्या करेंगे, आप आइडियाज डिफरेंट यूज कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा जो मेरा शेप लेयर वन है इसको यहाँ पे मैं कॉपी करके उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया है। यहाँ पे लाके हम क्या कर देंगे, होम पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। राइट, अब इसका पोजीशन हमें चेंज करना है। पहले तो ये रिवील है हमारे सामने, तो यहाँ पे आगे की तरफ लेके आते हैं और इसका पोजीशन अभी हमें क्या करना है, चेंज करना है। सो लेट्स ओपन द पोजीशन प्रॉपर्टी, इस वाली की फ्रेम पे चले जाएंगे हम लोग और क्या करेंगे भाई, इसको ड्रैग करते हुए सिलेक्टेड रखना है सारी कीज को। यहाँ पे आपके जितने भी कीज है सिलेक्टेड होने चाहिए। अब आप क्या करो, इसको ड्रैग करो और शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए क्या करोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे ऑलमोस्ट लाइक दिस वन। तो भाई ये भी एनिमेशन मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको भी हम क्या करेंगे, एज अ ट्रैक मैट हम इसके ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे। तो इसका नाम भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सब मैट। बराबर, ये मेरा सब मैट है, इस पिकॉम को नाम दे देंगे हम लोग मेन मैट। ठीक है, तो ये दोनों रेडी हो चुका है। यहाँ पे इसको भी क्या कर देंगे, एज अ अल्फा मैट अप्लाई कर देंगे। बट अब इसका एनिमेशन कब होना चाहिए, ये आपको डिफाइन करना है कि भाई इसका एनिमेशन होगा कब। तो ऑलमोस्ट जब ये यहाँ से क्रॉस होने वाला है इस जगह पे, उस टाइम पे मुझे क्या करना है, इसका एनिमेशन यहाँ पे स्टार्ट करना है। सो इट शुड कम समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ से ये स्टार्ट होगा एंड इट इज कमिंग लाइक समथिंग ओवर हियर। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे जनरेट होते हैं, आपको दिखेगा। सो लेट्स सी दैट एनिमेशन अगेन। ओके, दैट्स लुकिंग गुड इनफ। हाँ भाई, ये बेटर तरीके से यहाँ पे हमें दिख रहा है, बट मुझे चाहिए कि ये थोड़ा और लंबा दिखे हमें। राइट, तो अब करेंगे क्या भाई, इसका जो हमारा ये वाला लेयर है, जो हमारा सब वाला लेयर, इसको ओपन करके यहाँ पे इसकी की को दे देंगे, यहाँ पे पाथ को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, स्टॉपवॉच के ऊपर की अप्लाई कर देंगे। सेम चीज अब यहाँ पे चले आएंगे हम लोग और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, पाथ पे हम लोग की अप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पे पाथ को कैसे चेंज करेंगे, तो भाई इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा पीछे की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ ऑलमोस्ट
लेट्स टेक इट समथिंग आउट फ्रॉम ओवर हियर, यहाँ पे इसको बाहर की तरफ लेके चलते हैं, लेट्स सी द एनिमेशन आफ्टर दैट, इसको सिलेक्ट करते हैं, एफ नाइन प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग इसको डिजाइन कर देते हैं, मतलब ग्राफ को एडिट कर लेते हैं। लेट्स प्ले इट अगेन कि भाई ये कैसे दिखता है। यस इट्स लुकिंग नाइस कि भाई हाँ ये यहाँ पे आ रहा है और कुछ हिसाब से क्या हो रहा है, कनेक्ट होते हुए जा रहा है, स्टॉप समथिंग ओवर देयर एंड देन इट स्टार्टेड टू एनिमेट ओवर देयर। थोड़ा आई थिंक वी कुड चेंज समथिंग ओवर हियर, व्हाट वी कैन डू, लेट्स सिलेक्ट द प्रेस एंड प्रेस यू अगेन, प्रेस यू तो हमने पाथ को तो की दिया है और यहाँ पे इसका भी की लगा हुआ है। सो व्हाट आई एग्जैक्टली कैन डू, लेट्स मूव समथिंग बैक टू दिस वन, अगर हम इसको थोड़ा पीछे करें, नाउ लेट्स प्ले इट अगेन, लेट्स प्ले, यस ओके, स्टिल इट्स गोइंग लिटिल बिट होल्ड, लेट्स टेक इट अ लिटिल बिट मोर बैक एंड लेट्स पुट इट समथिंग लाइक ओवर हियर, ओके लेट्स मेक इट अंडू अंडू अंडू, ओके गुड इनफ एंड लेट मी डू समथिंग लाइक ओवर हियर, या फिर इसको थोड़ा मैं आगे की तरफ ले लूं यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा पीछे करेंगे, लेट्स सी इट अगेन, यस नाउ इज गेटिंग मी अ टाइमिंग, आप देख रहे हो अभी बेटर तरीके से मुझे क्या दे रहा है। सो द थिंग इज दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट एनिमेटिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू नीड, पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए आपको कैसा चाहिए एंड देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हल्के से चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। सो इट्स गोइंग रियली गुड बट अब मुझे क्या करना है, थोड़ा टाइमिंग यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो भाई ये जब यहाँ पे पहुंच रहा है, ओके सो एट दैट टाइम मैं पहले तो इसको थोड़ा इसको स्क्वीज करते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइमिंग थोड़ा लेस करते हैं एंड लेट्स सिलेक्ट ऑल द की फ्रेम एंड टेक इट लिटिल बिट बैक, ओके ओके समथिंग लाइक ओवर हियर एंड नाउ लेट्स प्ले इट अगेन। सी द टाइमिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, हमारा टाइमिंग बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ पे जाते हुए दिखना चाहिए। अब थोड़ा टाइमिंग यहाँ पे कम किया है, सो लेट मी टेक इट लिटिल बिट मोर फर्दर ओवर हियर, ओके स्टिल इट्स नॉट गेटिंग द रिजल्ट व्हाट एग्जैक्टली वी नीड इट फर्स्ट, लेट्स गो अहेड, फिर से एक बार प्ले करके देख लेते हैं, ओके ये मेरे को बेटर लग रहा है क्योंकि वहां पे चेंजेस करने में वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला, सो आई एम गोइंग विद दिस वन, ओके दैट्स गुड। तो यहां तक हमारा मेन एनिमेशन जनरेट हो चुका है गाइस, अब बात आती है हमारी मेन पॉइंट के ऊपर के, एक तो टेक्सचर जनरेट करना है हमें, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें टेक्सचर जनरेट करना है, सो लेट्स डू दैट फर्स्ट, टेक्सचर कैसे जनरेट करेंगे। तो चले आते हैं हमारे इस कंपोजिशन के अंदर, जो मेन कंपोजिशन हमने नाम दिया है उसके अंदर चले आते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ, लेट्स सिलेक्ट एंड डबल क्लिक एंटर एंड गिव द मेन मैट, ठीक है। तो अब इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया, अब करना क्या है, एक एक करके सबके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे लेयर वन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जब यहाँ पे आ जाओगे तो थोड़ा आपको जो ब्रॉडनेस यहाँ पे समझ में आ रहा है उसके अंदर, तो ये मेरा यहाँ पे रिवील है। अब करना क्या है, हम जाएंगे इफेक्ट के अंदर, आई थिंक इन पर्सपेक्टिव, यस इन ऑब्सोलेट आपको एक इफेक्ट मिलेगा, रिड्यूस इंटरलेस फ्लिकर, बराबर। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करता हूँ, तो लेट मी अप्लाई द 50 ऑफ द वैल्यू, तो यू कैन सी दैट एक अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, बट 50 मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आई एम गोइंग फॉर द 30, सो दैट विल इज द गुड इनफ। तो ये यहाँ पे देख रहे हो, एक ब्लरीनेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, वापस इफेक्ट में जाना है आपको, स्टाइलाइज में जाना है और आपको अप्लाई करना है रफन एजेस। अब रफन एजेस अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक अच्छा खासा इफेक्ट जनरेट हुआ है, नॉट एन इश्यू। अब यहाँ पे वैल्यूज हमें चेंज करनी है, तो लेट मी अप्लाई द वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक 100, यहाँ पे मैं कुछ बढ़ाता हूँ वैल्यू, लेट्स गो फॉर मे बी द 10 शुड बी गुड इनफ, ओके नाउ लेट्स अप्लाई द फ्रैक्टल वैल्यू समथिंग लाइक, ओके लेट मी लीव इट द 1 एंड स्केल मे बी इंक्रीजिंग समथिंग लाइक, ओके लाइक दिस वन, और इसका थोड़ा हम कम करते हैं, ऑलमोस्ट कुछ 60 के आसपास लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे, ओके 60 इज टू मच, इसको भी थोड़ा कम करते हैं स्केल को, ओके दैट इज गुड इनफ, इन्फ्लुएंस इज लिटिल बिट लेसर, ओके दैट इज गुड, इसको थोड़ा कम करके लिखें, दैट इज गोइंग गुड। कॉम्प्लेक्सिटी को मैं चेंज करता हूँ 1 के अंदर, स्ट्रेच विड्थ को थोड़ा हम बढ़ाते हैं, so now you can see that let me apply the space width something like this, okay that is going good, इसको मैं 1 कर देता हूँ फिर से and let's change the shape over here, यहाँ पे थोड़ी values बढ़ाते हैं हम लोग, so you can see that I am getting such kind of amazing result over here, complexity हमने 1 कर दिया है यहाँ पे, so let's go for the I think 4 पे जाए हम लोग, तो कैसा दिखेगा, let's check it,
नाउ इट्स लुक बेटर, 4 पे थोड़ा और भी बेटर दिख रहा है ये। तो ये मैंने यहाँ पे इसका टेक्सचर जनरेट किया है। अब इसको इवेल्यूएट भी करना है तो ऑल्ट करके इसके ऊपर स्टॉपवॉच पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम देंगे टाइम एक्सप्रेशन, टाइम इनटू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 500। मैंने यहाँ पे एक लिंक देना है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको, एक्सप्रेशन ट्यूटोरियल का एक प्लेलिस्ट है जिसको आप जाके जरूर देखिए। चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस आर्टिस्ट हो, आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। या तो आगे आपका नॉलेज बढ़ाएगा या फिर आपका नॉलेज को और शार्पन करेगा। तो उस प्लेलिस्ट को भी जाके इस ट्यूटोरियल के बाद में जरूर देखेगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आई थिंक उसके अंदर 4 से 5 अमेजिंग एक्सप्रेशन ट्यूटोरियल्स हैं गाइस, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, तो वो जाके जरूर देखेगा। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब करना क्या है, इसको सेम मुझे कॉपी करके इसके ऊपर अप्लाई करना है। सो लेट्स कम ओवर हियर। अब ये वाला जो हमारा ग्राफ है ना, इसको भी हम यहाँ पे रिवील करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस वाले को कॉपी करेंगे यहाँ पे और हमारे सेम लेयर 2 के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, यू कैन सी दैट अब इसकी वैल्यू बढ़ाए हम, लेट मी इंक्रीज द वैल्यू समथिंग, लेट्स गिव इट द 50 वैल्यू ओवर हियर। तो यू कैन सी दैट ये कुछ इस हिसाब से मुझे अभी दे रहा है। तो मैंने 50 दिया हुआ है इसको, लेट्स लीव इट विद 30, हम 30 को ही पकड़ के चलते हैं अभी। अब वापस क्या करेंगे, यहां से हम चलते हैं फिर से इफेक्ट के अंदर, स्टाइलाइज में जाएंगे और यहाँ पे मैं फिर से अप्लाई करने वाला हूँ रफन एजेस। सो वी हैव अप्लाई द रफन एजेस। अब यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, लेट्स अप्लाई द स्ट्रेच विड्थ। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, स्ट्रेच विड्थ का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा यहाँ पे आप अगर बड़ा करोगे, विड्थ और हाइट दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। उसके बाद में इसकी वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट लेट्स ड्रैग इट समथिंग लाइक दिस। सो यू कैन सी दैट इट्स जनरेटिंग समथिंग लाइक ओवर हियर। इसकी वैल्यू मैं 10 पे लेके जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट टेक इट टू द 10। ओवर हियर स्केल हम थोड़ा बढ़ाते हैं यहाँ पे, या फिर लेट्स मेक इट लिटिल बिट लेसर। ओके दैट्स गुड इनफ। तो ये कुछ यहाँ पे दिख रहा है, और स्ट्रेच विड्थ थोड़ा कम करते हैं इसको, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट डाउन और इंक्रीज। ओके इसको थोड़ा कम करते हैं, लेट्स टेक इट लिटिल बिट डाउन ओवर हियर। ओके एंड कॉम्प्लेक्सिटी को मैं ऑलमोस्ट 5 अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, सो इट्स गोइंग गुड इनफ ओवर देयर। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जो चीज मुझे मिल रहा था ना, यहाँ पे वो चीज मुझे नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी चेंज करूँ, तो आप देखो वैल्यूज मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में वो नहीं जा रहा है। सो दैट इज ओके, बट अभी मेरा काम यहाँ पे निकलने वाला है, सो नॉट एन इश्यू। हमने स्ट्रेच विड्थ किया है, अगर मैं इसको वैल्यू 0 कर दूँ यहाँ पे, सो इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दैट। लेट्स इंक्रीज दिस बॉर्डर, अभी के लिए हम देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस है इसको, यस इट इज गोइंग गुड इनफ। स्केल सही है मेरा, ओके दैट शुड बी द स्केल ओवर हियर। अब थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, सो नाउ लेट्स गो समथिंग लाइक दिस, लेट्स मेक इट लिटिल बिट मोर इंक्रीज ओवर हियर। ओके समथिंग लाइक दैट, लेट्स गो विद दैट। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑल्ट करके इवोल्यूशन पे स्टॉपवॉच पे सेम हमारा टाइम इनटू 500 का की अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो दैट इज गोइंग टू बी ओके ओवर हियर आल्सो। सो नाउ लेट्स कम आउट ओवर हियर एंड लेट्स प्ले द एनिमेशन वंस कि ये कैसा दिखता है। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या होने वाला है, हमारा टेक्स्ट का यहाँ पे लोगो रिवील हो रहा है। सो इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड अमेजिंग, बट स्टिल हमारा सेंटर वाला पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन में चले जाएंगे और जो 1 के ऊपर हमने अप्लाई किया था ना, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, चले आते हैं यहाँ पे और हमारा मेन जो सब वाला है उसके ऊपर क्या करेंगे, पहले तो होम पे चले आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी दैट एनिमेशन अगेन। ओके यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग एंड रियली नाइस ओवर हियर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा लोगो एनिमेशन जनरेट हो रहा है। नाउ इट्स गुड इनफ। अब करना क्या है, मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एंड वाइट प्लेस कर रहा हूँ और एडजस्टमेंट लेयर जनरेट किया, इफेक्ट में चलते हैं और यहाँ पे मैं जाऊंगा जनरेट में और मैं फील जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे रेड हो गया, बट मुझे मेरा बैकग्राउंड नहीं चाहिए अभी। सो नाउ यू कैन सी दैट मेरा एक अच्छा खासा रेडी स्टोन वाला लोगो यहाँ पे रेडी होके हुए आ चुका है। अब इसके अंदर भी थोड़ा और बेटर एनिमेशन हमें जनरेट करना है गाइस, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो इन सारी चीजों को आप क्या कर दो, यहाँ पे सारे लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करते हैं, ओके करके इनका सबका प्रीकॉम्प यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। अब इस लेयर को मैं 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जा रहा हूँ मैं यहाँ पे और मैं जनरेट करने वाला हूँ एक कैमरा।
तो हमारा सबसे पहला एक कैमरा मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। उसके बाद मैं वापस राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ और मैं जनरेट कर रहा हूँ नल ऑब्जेक्ट। और अब क्या करेंगे, नल ऑब्जेक्ट को भी 3D में कन्वर्ट करेंगे और हमारे कैमरा को हम नल के साथ पेरेंट कर देंगे ताकि हमें कंट्रोल करने में आसान हो हमारे कैमरा को। अब स्टार्टिंग में चले आएंगे, नल का पोजीशन प्रॉपर्टी सबसे पहले ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहां से मैं चला जाऊंगा ऑलमोस्ट आउटसाइड और थोड़ा आपको चाहिए तो थोड़ा और बाहर चले जाओ तो ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे चला जाऊंगा और फिर से पोजीशन पे मैं यहाँ पे की दे देता हूँ। चले आएंगे जीरो नंबर के फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस पे यहाँ पे इसको पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब कैमरा के नजदीक लेके आएंगे। तब अगर जब ये एनिमेशन स्टार्ट होगा तो यू कैन सी दैट आपको एक जूम आउट वाला फील यहाँ पे देखते हुए मिलेगा, मतलब एक अच्छा खासा जूम आउट का फील यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होते हुए जाएगा। एंड दैट एग्जैक्टली वी नीड इट, हमें बिल्कुल यही चीज चाहिए कि भाई हाँ ये इसी तरीके से कुछ जनरेट होते हुए जाए। बट अभी इसके अंदर एक छोटा सा और भी हमें ऐड करना है, सो लेट मी मेक इट लिटल बिट लोअर रिजोल्यूशन। मैं यहाँ पे थर्ड लोअर रिजोल्यूशन पे चल रहा हूँ और इसको सेव कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। ओके नाउ लेट्स प्ले इट अगेन, तो एक बार प्ले करके देखते हैं तो अच्छा खासा आपको समझ में आएगा भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। सो यस इट्स गोइंग गुड इनफ, बहुत ही बेटर तरीके से क्या हो रहा है, ये साइज को अभी हमने छोटा नहीं किया, यहाँ पे जूम तो कर लिया बट एट दी एंड मुझे क्या करना है, साइज भी मेरा छोटे होते हुए जाते हुए दिखाना है। तो यहाँ पे वापस मैं चला आता हूँ और इससे थोड़ा साइज हम और पीछे, मतलब साइज नहीं बट हम क्या करेंगे इसको जूम आउट की तरफ और लेके जाएंगे यहाँ पे। ओके सो इट्स समथिंग लाइक दिस, गुड इनफ। तो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब थोड़ा और इसके अंदर मैजिक एड करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका रोटेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ और Z एक्सिस में हम इसको रोटेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे जाते हुए जाएंगे जब ये पूरा यहाँ पे टच कर रहा है ना ये वाला, यस एग्जैक्टली लाइक दिस, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पे टच कर रहा हूँ और चले आएंगे हम ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे, मतलब पूरा जब ये रिवील होता है ऑलमोस्ट इस जगह पे, और इसके रोटेशन को मैं यहाँ पे की देता हूँ। वापस यहाँ पे चले आएंगे हम लोग और मैं क्या करूंगा इसका रोटेशन कुछ इस हिसाब से, आई थिंक इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ओके लेट्स प्ले समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, कितना -180 पे चला जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे कुछ इस हिसाब से इसका ग्राफ यहाँ पे हम रेडी कर देंगे। अब हल्का सा उसको 2 फ्रेम या 3 फ्रेम में पीछे ले लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, सो दैट्स गुड इनफ। अब अगर प्ले करो एक बार इसको तो आपको समझ में आएगा, यस इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस, इज गोइंग रियली नाइस एंड अमेजिंग ओवर हियर। अब मेन चीज आता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ये सेंटर वाले का मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ डिरेक्शन, तो जब ये ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे रहेगा ना तो अब हमें क्या करना है, ये मेरा पॉइंट यहाँ पे सही है तो चलते हैं प्रीकॉम्प 1 के अंदर वापस और जो हमारा ये वाला लेयर है ना उसको यहाँ पे यू प्रेस करते हैं। ओके दैट इज फॉर द सब मैट ओवर हियर और इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने वाला हूं एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग इट समथिंग लाइक ओवर हियर। सो नाउ यू कैन सी दैट अब क्या एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होने वाला है, लेट्स प्लेस द एस ओवर देयर, यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, राइट, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये हमें। ओके थोड़ा टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ही डिले हो चुका है, सो लेट्स टेक इट लिटल बिट मोर इन ओवर हियर समथिंग लाइक दैट एंड लेट्स चेक इट अगेन कि भाई कैसे जा रहा है। सो सी द थिंग इज दैट व्हेनेवर यू प्ले द एनिमेशन ना, अब मुझे ये आइडिया था कि मुझे एक रोटेशन दिमाग में जब इसको बनाने का सोचा था तो कुछ तो आइडिया दिमाग में आया होगा, सो दैट इज एग्जैक्टली आई नीड ओवर हियर कि भाई हाँ अब ये जब जा रहा है ना तो कुछ इस हिसाब से दिखना चाहिए। बट अब थोड़ा मुझे इसके अंदर चेंज करना, इसको यू प्रेस करते हैं यहाँ पे और जो इसका स्टार्टिंग है ना यहाँ पे, सो एग्जैक्टली वॉट आई नीड के स्टार्टिंग में इसका स्केल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, सो लेट मी मेक इट अ लिटल बिट मोर जूम, लेट्स डिलीट इट, लेट्स कमिट ओवर हियर एंड लेट्स मेक इट लिटल बिट मोर जूम समथिंग लाइक ओवर हियर। मैं इसको थोड़ा इस लेवल पे जूम कर रहा हूं ताकि ये और मजा दे मेरे को यहाँ पे। एंड नाउ लेट्स सिलेक्ट दिस, प्रेस F9 और चलते हैं हम यहाँ पे और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ ग्राफ एडिट को कुछ इस हिसाब से एडिट कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स चेक इट वन मोर टाइम, नल को थोड़ा हाइड कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स डू आउट, वेट एक छोटा सा इफेक्ट एड करना बाकी है गाइस। ओके नाउ इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग, यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये जाते हुए दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे इसका साइज थोड़ा और छोटा करना चाहिए, मतलब जूम आउट करना चाहिए इसको, सो लेट्स टेक इट अ लिटिल बिट मोर इन।
ओके ये सही है, अब इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ और इस वाले पे मैं क्या कर दूंगा कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा, सो दैट इज गुड इनफ। मुझे क्या चाहिए, मोशन दिखना चाहिए कंटिन्यूअसली जाते हुए, तो हाँ भाई ये देखो कंटिन्यूअसली जाते हुए दिख रहा है जब तक एनिमेशन खत्म ना हो, इज गोइंग डाउनर साइड। अब एक छोटा सा चीज और ऐड करना है मुझे इसके अंदर, सो व्हाट आई विल डू, अगेन जनरेटिंग ए वन एडजस्टमेंट लेयर, और इसके अंदर हम चलेंगे इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम स्टाइलाइज में जाएंगे और मैं अप्लाई करने वाला हूँ ग्लो इफेक्ट। इसके अंदर यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 20, इसको मैं वैल्यू देता हूँ 50 का और मैं इंटेंसिटी रेट कम करता हूँ समथिंग लाइक 0.4। ओके यू कैन सी दैट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा जो टेक्सचर था वो चला गया, तो मैं यहाँ पे इंटेंसिटी सॉरी थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ा देता हूँ और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आई थिंक मेरे को, so let's go for the 60 से भी थोड़ा let's make it 80। okay now it's look good enough, तो ये मुझे better लग रहा है और मैं यहाँ पे इसका valuation कर देता हूँ full। okay let's make this value little bit lesser, जो radius है थोड़ा कम किया है और threshold थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूँ। okay बहुत कम लग रहा है, so let's make it a little bit zoom out over here, not this much, okay that is good enough, यहाँ पे ये सही जा रहा है। एंड लेट मी मेक लिटिल बिट मोर डाउन समथिंग लाइक दिस। ओके अब क्या करेंगे, इसका रेडियस थोड़ा हम, ओके दैट इज गुड इनफ, ये बेटर लग रहा है मेरे हिसाब से, राइट ओके बहुत कम हो गया, थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा और, ओके दैट इज गुड इनफ। इंटेंसिटी में कम करता हूँ 0.2 के आसपास समथिंग लाइक दिस, ओके दैट इज लुक गुड। अब अगर इसको एनिमेट करेगा इस हम लोग, हमारा फाइनल एनिमेशन यहाँ पे रेडी हो चुका है। आई होप इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने भले ही बेसिक टेक्निक को यूज किया है बट अच्छे खासे तरीके से टेक्सचर को ऐड किया है, टाइमिंग को प्रॉपर तरीके से हमने एडजस्ट किया है व्हेन वी आर एनिमेटिंग द कैमरा, तो हमने हमारे लोगों के दूसरे एलिमेंट को या सब एलिमेंट को जब इन किया है उसका टाइमिंग हमने जो लेटर ऑन चेंज किया अकॉर्डिंग टू द कैमरा एनिमेशन, बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा यहाँ पे लोगो इंट्रो फॉर यूट्यूब चैनल या सिनेमेटिक लोगो इंट्रो आप कह लो या व्लॉग इंट्रो कह लो, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जनरेट होते हुए दिखाया गाइस। सो आई होप मजा आया होगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी नई चीजें सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।